जब हम चंबा पहुंचे तो वहाँ के लोकल लोगों ने और साइकिलिस्ट जो हैं वहाँ पे, उन्होंने हमारा वार्म वेलकम किया और हमें ये पता चला कि हमारा पहला ग्रुप ऐसा, मैंने और संदीप जी ने मनाली से लेके चंबा तक वाया किलाड़ और साच पास को पहली बार क्रॉस किया है। इससे पहले 2016 में हमने गूगल में भी सर्च किया था, तो उसमें एक साइकिलिस्ट था जिसने इसको पार करने की कोशिश की थी किलाड़ से, पर वो इसको पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे और वो साच पास से नीचे ही 15 किलोमीटर लिफ्ट लेके चले गए थे। तो अब हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इस रिकॉर्ड को हम कैसे अपने नाम पे करवाते हैं, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको कैसे हम दर्ज करवाते हैं, उसके लिए हम इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य यह था कि एक तो हमने अपने पर्यावरण को बचाना है, दूसरा फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, और ये जो हमारे ट्राइबल एरिया के क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हमने बचाना है और अपनी प्रकृति को और जो वहाँ की खूबसूरती है उसको हाईलाइट करना है। प्लस हमने वहाँ पे एक चीज़ और देखी कि जो वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं वो पोल्यूशन की वजह से बिल्कुल ही काले पड़ गए हैं, और जो वहाँ पे पर्यटक बाइकों पे आते हैं, गाड़ियों पे आते हैं, और वो अपने साथ वही चीज़ हमने जो चंद्रताल में देखी थी, वही चीज़ हमने साच पास पांगी क्षेत्र में देखी, वो अपने साथ जो भी खाने पीने की चीज़ें लाते हैं और उसका वेस्ट वो वहीं फेंक के चले जाते हैं। हमने कोशिश की उसको इकट्ठा करने की जितना हमसे हो पाया, 2 बैग भरे हमने, सफाई अभियान में भी उसको हमने कंट्रीब्यूट किया जिनको हम अपने साथ लेके आए। तो मेरी गुजारिश है पर्यटकों से कि वो हिमाचल आएँ, लेकिन वो यहाँ पे आके कम से कम गंदगी ना फैलाएं।